दोस्तों रॉ रिव्यू में आपका फिर से स्वागत है। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं ज़ेब्रोनिक्स के ज़ेब इंडीबीटी आरयू सीएफ स्पीकर का। ये 4.1 चैनल का मल्टीमीडिया स्पीकर है। आप सोच रहे होंगे इस स्पीकर का रिव्यू करने का मतलब क्या है? बिकॉज ये लो बजट स्पीकर है, ये मात्र 5,500 रुपए में आपको कॉस्ट करेगा। साथ ही साथ इसके अंदर वायरलेस ब्लूटूथ भी है, इसके अलावा यूएसबी भी है, एसडी कार्ड का भी ऑप्शन है, FM है, ऑक्स के थ्रू आप अपना मोबाइल कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। ये रिमोट कंट्रोल के साथ आता है, साथ ही साथ इसमें रिदमिक लाइट का भी ऑप्शन है। इसके अलावा आप सामने देख सकते हैं इसके अंदर एक छोटी सी LED डिस्प्ले भी है। इस स्पीकर के बारे में और भी बहुत कुछ बातें हैं जो कि मुझे आपको बतानी है, लेकिन उससे पहले किसी भी स्पीकर में मैटर करता है किसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है, पहले वो जान लेते हैं और सुना देते हैं आपको। तो जैसा कि आपने देखा कि इसमें रिदमिक लाइट भी है, लेकिन वो तभी काम करेगा जब आपके ऑडियो में बेस होगा, ज्यादा बेस होगा, जितना बेस उतनी ही रिदमिक लाइट इसमें अपवर्ड्स में जाएंगी, बढ़ेंगी और चमकेंगी। साथ ही साथ आप देख सकते हैं टॉवर स्पीकर जो छोटे छोटे मिनी वाले हैं, इसमें कितनी अच्छी लाइटें जल रही है, ब्लू और रेड लाइट का कॉम्बिनेशन है जो कि देखने में बहुत ही शानदार लग रहा है। तो दोस्तों उसकी ऑडियो आपने सुनी, इसका हाई और लो दोनों ही बहुत शानदार है और उसमें जो ट्रेबल है वो भी बहुत ही बेहतरीन आ रहा है। साथ ही साथ बेस की बात कर ले, जो इसका बास है वो भी बहुत ही धमाकेदार है और मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगा इतने कम बजट में इतने शानदार ऑडियो इसमें आ रही है। मैंने और भी कई सारे इसमें साउंड चेक किए, लो वर्जन में भी, लो ऑडियो में भी, हाई में भी, लेकिन सब में मुझे अच्छी कॉम्बिनेशन दिखाई दिया। इसके अंदर काफ़ी मेंटेन किया गया है इसके अंदर ऑडियो को हाई और लो पे। साथ ही साथ बात करें इसके सब वूफर की, इसमें जो सब वूफर है वो 45 वॉट का आता है जो कि 6.5 इंच का है, और बाकी के जो सैटेलाइट स्पीकर है इसके जो 4 स्पीकर हैं वो 15 वॉट के हैं, 15 वॉट के 4 हैं, मींस कि सारा ओवरऑल आउटपुट में अगर बात करूं 105 वॉट का है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके रिमोट की। बहुत ही प्यारा सा एक छोटा सा रिमोट है, मैं देखिए आप एक सेकेंड, ये देखिए बहुत ही प्यारा सा छोटा सा रिमोट है और बहुत ही कॉम्पैक्ट है, हैंडी भी है, और आप देख सकते हैं मेरे हाथ में किस तरह से आ रहा है, बिल्कुल छोटा सा। यार देखो इतने कम बजट में इतनी अच्छी ऑडियो के साथ एक रिमोट कंट्रोल आ रहा है, वाकई ये काबिले तारीफ है और मुझे तो काफ़ी इम्प्रेसिव लगा, इसलिए मैंने रिव्यू किया। मुझे स्पीकर में कोई भी कमी दिखाई नहीं दी और ऑडियो क्वालिटी की अगर बात करें बहुत ही बेहतरीन है, और इतने कम प्राइस में ऐसा नहीं लगता कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ जैसा मुझे कुछ भी नहीं लगा। और बिलीव मी ये आपके घर में आया तो आपके पड़ोसियों को दिक्कत होने वाली है, इसके बाद से मज़ा बांधेगा आपके घर के अंदर और आपके अगल बगल में तकलीफें बढ़ा देगा। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं इसमें आपको मेमोरी कार्ड के लिए इसमें ऑप्शन दे रखा है, स्लॉट दे रखा है, साथ ही साथ इनपुट अगर आप इसमें कोई कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए बटन, प्रीवियस और नेक्स्ट के लिए ऑप्शन है, बीच में आप देख सकते हैं प्ले का ऑप्शन है, सॉन्ग्स प्ले करने के लिए इसमें आप USB भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं ओवरऑल व्यू की बात करूं इसके स्पीकर में, ये जो है पीछे आप वुडन का यूज़ किया गया है, वुडन का यूज़ करने से ऑडियो क्वालिटी काफ़ी एनहांस होती है। कई सारी कंपनियां स्मार्टनेस करती हैं पैसा बचाने के लिए, प्लास्टिक का यूज़ करती हैं, लेकिन इन्होंने वुडन का यूज़ किया है जिससे कि ऑडियो क्वालिटी बहुत ही एनहांस हो जाती है और काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में एज कम्पेयर प्लास्टिक बॉडी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की, जो कि मैं पहले ही बता चुका था 5,500 में कॉस्ट करेगा और आपकी लोकेलिटी एरिया के हिसाब से अप एंड डाउन हो सकता है।
साथ ही साथ बात कर लेते हैं इसके वारंटी की, एक साल की वारंटी कंपनी देती है इस पे। और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो कि इस चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। टेक केयर, और कोई भी मन में सवाल हो कमेंट बॉक्स में आके पूछना ना भूलें, हमें अच्छा लगता है सवालों का जवाब देना। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।